आजकल देश में बुलडोजर का ट्रेंड चल गया है, खासकर भाजपा शासित राज्यों में तो ये प्रचलन मानो जैसे किसी कानूनी धारा का हिस्सा हो। दौर तो ये हो गया है कि कानून के रखवालों को कानून का कोई इल्म नहीं है, इन्हें दोषी और आरोपी में फर्क ही नहीं मालूम। इन सभी को देखते हुए देश के सर्वोच्च अदालत ने बुलडोजर मामले पर सख्त टिप्पणी की है। जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आपराधिक कानून में किसी आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन कैसे लिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई दोषी भी करार कर दिया जाए तो भी उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन नहीं ले सकते, ये कानून के खिलाफ है। दरअसल जमीयत उलेमा ए हिंद ने हाल ही में यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई घटनाओं का हवाला देते हुए बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। जमीयत ने अपनी इस याचिका में अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। अर्जी में आरोपियों के घरों पर सरकारों द्वारा बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई कार्रवाई को लेकर दलील दी। इस दौरान कोर्ट ने उनसे सवाल किया कि अगर कोई आरोपी है, महज इस आधार पर बुलडोजर एक्शन कैसे लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कानून के खिलाफ है और हम इसे लेकर निर्देश जारी करेंगे, साथ ही तमाम राज्यों को नोटिस भी जारी करेंगे। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि सिर्फ म्युनिसिपल कानून में ही बुलडोजर एक्शन का प्रावधान है। कोर्ट ने कहा कि क्या आपराधिक कानून के तहत किसी आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया जा सकता है, इस पर जवाब देने के लिए एसजी ने कोर्ट से वक्त मांगा, जिसके बाद बेंच ने कहा कि वो मामले की सुनवाई अगले सोमवार को करेंगे। वहीं जमीयत की ओर से पेश हुए वकील दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि बुलडोजर एक्शन के जरिए सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ही निशाना बनाया जा रहा है, लिहाजा इन मामलों में तत्काल रोक लगाने की जरूरत है। मध्य प्रदेश के अलावा यूपी के मुरादाबाद और बरेली में 22 और 26 जून को दो FIR में नामजद आरोपितों की 6 संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया गया। वहीं राजस्थान के उदयपुर में प्रशासन और वन विभाग की टीम ने आरोपित राशिद खान का घर गिरा दिया। राशिद के 15 साल के बेटे पर स्कूल में अपने सहपाठी को चाकू से गोदने का भी आरोप था। याचिका में केंद्र सरकार और राज्य को पक्षकार बनाया गया। कहा गया कि आरोपितों के खिलाफ वाजिब कानूनी कार्रवाई के बजाय उनके घरों को बुलडोजर से ढाया जा रहा है, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है और मनमाना रवैया है, जिसे अंजाम देकर अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी के मैनपुरी में शहीद स्मारक स्थल पर बुलडोजर चलाने को लेकर योगी सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया था। अखिलेश ने कहा था कि बीजेपी की सियासत शहीदों में भी भेदभाव करने लगी है। शहीद मुनीश यादव के स्मारक स्थल को राजस्व टीम ने बुलडोजर चलवा दिया था।